हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज इस मूवी में देखिएगा, दो लड़का दो लड़की जाते हैं और उसके साथ वहाँ पे क्या क्या होता है, देखिए आप इस मूवी में। कहानी शुरू होती है और एक आदमी को ट्रक पे जाता हुआ देखते हैं, तभी एक लड़की उसके सामने अचानक आ जाती है और लड़की बहुत ज़्यादा डरी हुई होती है और उससे हेल्प मांगने लगती है। तभी कोई आदमी ट्रक के शीशे पे कुछ मारता है, जिसके बाद वह आदमी ट्रक को वहाँ से भगाने लगता है। तभी उसी लड़की को दोबारा देखते हैं जो एक डॉक्टर के पास होती है, जिसके बाद डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी वह कहती है कि हम चार दोस्त एक ट्रिप के लिए जा रहे थे, जिसके बाद हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है। तभी एक गाड़ी फ्यूल डलवाने के लिए फ्यूल पंप पे आता है, तभी उनमें से एक लड़का और एक लड़की गाड़ी से उतरते हैं और एक शॉप के अंदर दोनों चली जाती है और दूसरा लड़का और एक लड़की गाड़ी में फ्यूल डाल रहा होता है। तभी वह लड़का को देखते हैं जो अंदर गया होता है, उसका नाम सर्चर होता है, वह भूत बंगले की पिक्चर देखता है। शॉप के ओनर उसे बताता है कि यह एक इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, वहाँ पे कोई भी भूत नहीं है। तभी वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने दोस्तों को बोलता है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। इसके बाद यह चारों निकल जाते हैं यहाँ से। इसके बाद एक शॉप ओनर को देखते हैं जो कहते हैं कि वह लोग यहाँ से निकल चुके हैं। फिर रात हो जाती है और यह लोग अभी भी सफर कर रहे होते हैं और काफी देर के बाद वह भूत बंगले के पास पहुँच जाते हैं। जब यह लोग यहाँ पे पहुँच जाते हैं और यहाँ पर और एक आदमी होता है जो वॉकी टॉकी पे बोलता है कि यह लोग यहाँ पे आ चुके हैं। तभी ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और यह लोग भी गाड़ी से निकल जाते हैं और बाहर आ जाते हैं, लेकिन एक लड़की बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, मैं गाड़ी में ही बैठी रहूँगी। जिसके बाद यह लोग वहाँ जाते हैं तो देखते हैं काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भीड़ होता है। इसके बाद हम उस लड़की को देखते हैं जो गाड़ी में बैठी होती है, वह बहुत डर रही होती है। फिर वह डिसाइड करते हैं कि वह भी जाएगी उसके पास, जिसके बाद वह लड़की वहाँ पे चली आती है। तभी यह लोग चारों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक आदमी आते हैं और यह वही आदमी है जो वॉकी टॉकी पर किसी को बता रहा था कि यह लोग वहाँ पे आ चुके हैं। वहाँ पर काफी ज्यादा लोगों की वजह से वहाँ पे जगह नहीं मिल रहे थे और यह लोग को जल्दी अंदर जाना था। वह कहता है कि मैं तुम्हें जल्दी अंदर भेज सकता हूँ। तभी एक दूसरा लड़का कहता है कि यह बहुत अच्छा होगा। तभी वह आदमी यह सबके हाथ में कुछ पहना देता है और बोलता है कि जब तुम जाओगे तो सिक्योरिटी गार्ड को यह दिखा देना, वह तुमको अंदर भेज देगा। तभी वह आदमी कहता है कि मेरे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। फिर यह लोग गेट के पास पहुंच जाते हैं जहां पे सिक्योरिटी गार्ड होते हैं और यह लोग उसे हाथ पे पहना हुआ उसे दिखा देते हैं और तभी यह सिक्योरिटी गार्ड यह चारों को अंदर भेज देता है। जब यह चारों अंदर पहुँचते हैं तो काफी सारा इंसान को देखते हैं जो भूत बन के लोगों को डरा रहे होते हैं। जब यह लोग थोड़ा सा आगे जाते हैं तभी एक भूत इसको डराता है, जिसके बोर्ड पे लिखा था डेट रोज, जिसका मतलब सजाए मौत होता है। थोड़ा आगे जाके एक आदमी को देखते हैं जो इलेक्ट्रिकल कुर्सी पे बैठा होता है। चर्च वहाँ जाकर एक स्विच को ऑन कर देते हैं, जिसके वजह से उस आदमी को झटके लगना शुरू हो जाते हैं। सर्च बार बार ऐसे ही करता है और उसे शॉट देते रहता है और सर्च ऐसा करते ही रहता है, जिससे उसे काफी मजा आता है। असल यह लोग यह समझ रहे हैं कि यह लोग इंसानों के इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और होती है जो इन लोग को बाद में पता चलेगा। काफी ज्यादा कैमरे लगे होते हैं जिसे ये लोग पर कोई नजर रख रहा होता है। फिर सर्च उसको ऑफ कर देता है और वहाँ से जाने लगता है और यह लोग अभी जा ही रहे होते हैं आगे, तभी वहाँ पे सामने वाला गेट और पाछे वाला गेट दोनों बंद हो जाते हैं। तभी साइड से एक विंडो का गेट ओपन होने लग जाता है। तभी यह लोग देखता है उधर की चेयर पर एक लड़की बंधी हुई होती है और वह लड़की इस सब से हेल्प मांगती है, लेकिन यह सबको एक इंटरटेनमेंट लगता है। तभी यह लोग देखता है कि उस लड़की का बहुत बेरहमी से एक आदमी नाखून निकाल रहा होता है और यह लोग फिर भी सीरियस नहीं हो रहे थे क्योंकि यह लोग को लग था कि यह एक इंटरटेनमेंट है। जिसके बाद एक गेट खुल जाता है और यह लोग आगे बढ़ने लगते हैं, जिसके बाद सर्च एक रूम में पहुंच जाता है जहां पर सारे कैमरों का कंट्रोल था। तभी सर्च कैमरे में अपने दोस्तों को देखता है जो एक नकाबपोश उसके दोस्तों को मार रहे होते हैं, जिसके बाद उन दोनों को एक जगह पर बंद कर देते हैं। तभी यहां पर एक डॉग और एक लड़की और एक गंजे आदमी को देखते हैं। लड़की और उस गंजे आदमी को कैद करके रखा गया है और कुत्ते उसका निगरानी दे रहे होते हैं। तभी लड़की उस गंजे आदमी से पूछती है कि तुम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते, यहाँ पर क्यों हो। तभी वह गंजे आदमी कहता है कि यह कुत्ते की वजह से, क्योंकि जो आदमी यहाँ से भागने की कोशिश करता है या कुत्ता उसे मार के खा जाता है। जिसके बाद वह गंजे आदमी कहता है अगर हमें बाहर निकलना है तो यह कुत्ते का ध्यान भटकाना होगा। अगर हम और एक दोस्त को देखते हैं जो एक आदमी उसे बहुत टॉर्चर कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं एक लड़का कुत्ते को रोटी खिला रहे होते हैं और उसका ध्यान भटका रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अलार्म बज जाता है, जिसके वजह से वहाँ के लोग आ जाते हैं और उस लड़का को पकड़ के लेके जाते हैं। फिर वह लोग उस लड़का को ले जाके एक चेयर पे बांध देते हैं
तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो अपने हथियारों को तैयार कर रहा होता है। इसके बाद वह आदमी उस विंडो को खोल देता है जो विंडो इसके लिए खोल दिया गया था। इसके बाद यह लड़का भी बहुत चिल्ला रहा होता है और हेल्प मांग रहा होता है, लेकिन सबको लगता है कि यह एक एंटरटेनमेंट है। जिसके बाद वह आदमी उस लड़का का नाखून निकालने लगते हैं और बहुत बुरी तरीका से उसका नाखून निकाल देते हैं। तभी हम इधर देखते हैं, लड़की कुत्ते को रोटी का टुकड़ा दे रही होती है, जिसे कुत्ता भी इधर आ जाता है और वह लड़की उस कुत्ते को वहीं पे पकड़ के रखती है। जिसके बाद वह गंजा आदमी बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर कुछ देर के बाद वह गंजा आदमी निकल जाता है और निकलने के बाद वह कैमरा को तोड़ देता है। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है जो उसे चेक करने लगता है। तभी गंजा आदमी और वह दोनों लड़ने लग जाते हैं। तभी वह गंजा आदमी चाबियां निकाल के उस लड़की की तरफ फेंक देता है और वह दोनों लड़ने लग जाते हैं। इसके बाद वह लड़की चाबी लेने की कोशिश करती है, लेकिन चाबी थोड़ा सा दूर में होती है, लेकिन वह लड़की चाबी ले लेती है और लॉक खोल के बाहर निकल जाती है। इसके बाद वह लड़की मोटे के सर पे मारती है, जिसके वजह से मोटे बेहोश हो जाता है। अभी लड़कियां तो बाहर निकल आती है, लेकिन उस गंजे आदमी को कुत्ता पकड़ लेता है, उसे कुत्ता मार के खा लेता है। जिसके बाद वह लड़कियां भागते भागते वहां पर पहुंच जाती है जहां पे कैमरा का कंट्रोलर था। जिसके बाद वह लड़की अपने दोस्त को कैमरे पर देखती है जो कुर्सी से बंधा हुआ होता है। इसके वजह से वह लड़की काफी परेशान हो जाती है। फिर एक आदमी वहां पे पहुंचता है जहां पे लड़कियों को कैद करके रखा गया था, जहां पे मोटे को मार के बेहोश कर दिया और लड़की भाग गई। तभी और एक मोटा बोलता है वह लड़कियां भागना नहीं चाहिए और बोलता है किसी भी कीमत पर यहाँ से भागना नहीं चाहिए और उस लड़कियों को ढूंढो। तभी हम इधर देखते हैं उस लड़का को अभी भी बहुत टॉर्चर कर रहा होता है। जिसके बाद वह लड़कियाँ विंडो से देखती है कि वहाँ के सारे दरिंदे उसको खोजने के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद उस मोटे को देखते हैं जो पीछा करते करते उस लड़की तक पहुँच जाता है। जिसके बाद लड़की दोनों भाग रही होती है, तभी वह देखती है कि लाशों की ढेर यहाँ पे लगा हुआ है और लटका हुआ है लाश, और वह भागते भागते एक कमरे में आ जाती है और वह एक आदमी को देखती है जो इलेक्ट्रिकल चेयर पे बैठा हुआ है, और तभी यह लड़की उसे पहचान जाती है। दरअसल यह सर्च होता है जिसमें से एक लड़की उसे छुड़ाने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जो स्विच ऑन कर देता है और उस लड़की को करंट लग जाता है और वह लड़की बुरी तरीका से मारी जाती है। तभी इधर दूसरी लड़की जब भाग रही होती है और मेन गेट के पास आ जाती है तो देखती है वह गेट लॉक होती है। तभी वहाँ पर वही मोटा आदमी आ जाता है। तभी वह आदमी जैसे ही उस लड़की को मारने वाला होता है, वह लड़की एक बॉक्स में गिर जाती है। फिर वह लड़की घूमते घूमते बाहर में जाके निकलती है। तभी यह लड़की यहाँ पे बहुत सारे लाशों को देखती है। दरअसल यह लोग जितने भी लोगों को मारते थे, जो उसे पाइप में डाल देते थे, जो यहाँ आके इतना इकट्ठा हो गए होते हैं। तभी वह आदमी भी उस लड़की को ढूंढने के लिए नीचे आने लगता है। जब वह आदमी नीचे आता है तो वह लड़की भी लाश बन के नीचे लेट जाती है। जिसके बाद वह आदमी कुल्हाड़ी से वार करके हर लाश पे चेक कर रहा होता है, जिसके वजह से वह लड़की डर जाती है और वहाँ से भागने लग जाती है। तभी वह आदमी भी उसका पीछा करते करते उसके पास आ जाता है और वह लड़की आके एक जगह पे रुक जाती है। तभी वह आदमी आके उस पे हमला कर देता है, लेकिन लड़की बच जाती है और उस आदमी के ऊपर छत गिर जाता है। फिर वह लड़की वहाँ से बाहर निकल जाती है। फिर वही ट्रक को देखते हैं जो कहानी के शुरुआत में देखे थे। फिर वह लड़की उसे हेल्प मांगती है, जिसके बाद वह आदमी उसे हेल्प दे देता है और उसे गाड़ी में बिठा लेता है। और तभी हम उस लड़की को देखते हैं जो हॉस्पिटल में होती है, जिसके बाद वह कहती है कि इससे आगे हमको याद नहीं है। तभी वहाँ पर ट्रक वाला आ जाता है और बोलता है कि शुक्र है कि तुम यहाँ पे आ गए, नहीं तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। और यह लड़की सोचती है कि हम अभी हॉस्पिटल में हैं, लेकिन फिर यह लड़की चाकू तेज करने की आवाज़ सुनने लगती है। जिसके बाद वह आँख से पट्टी हटा के देखती है तो फिर वह उसी जगह में पाती है जहाँ पे पहले थी, और लड़की यहाँ पे अपने आप को देख के बहुत चिल्लाती है और इसके चारों तरफ बहुत सारे आदमी होते हैं और मदद करने की गुहार करने लगती है, लेकिन सबको लगता है कि यह एक एंटरटेनमेंट है, जैसे यह सब लड़की को पहले लगा था। जिसके बाद यह लड़की को बहुत बेरहमी से मार देता है और यह मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाता है।